एवरीवन, मैं गीता वर्मा, गीता किनू लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से एक नया रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मेरे पास आ रही बहुत सारी रिक्वेस्ट कि मैम हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में हर किसी की स्किन ड्राई हो जाती है, चाहे वो ऑयली स्किन वाले ही क्यों ना हो। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, मैम आप ऐसे पैक बताइए ड्राई स्किन के लिए, या फिर हमारी शादी होने वाली है, इस तरह के पैक बताइए जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे हो, और इस तरह की क्रीम बताइए। तो मैं बहुत सारे पैक और क्रीम्स लेकर आने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, कोई भी वीडियो आप मेरी मिस ना कर पाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ नाइट क्रीम फॉर ड्राई स्किन, और जो ऑयली स्किन वाले उनकी स्किन भी सर्दियों में ड्राई हो जाती है, तो ये क्रीम कोई भी यूज कर सकता है और घर की चीजों से हम इसे बनाने वाले और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एम्प्टी कंटेनर लिया है, कोई भी आप क्रीम की खाली डिब्बी पड़ी हो वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल ले रही हूँ। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है, मुलायम रखता है और ब्लेमिशेस फ्री रखता है, दाग धब्बे वगैरह सब आपके दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैं लूँगी, और आप ग्रीन वाला भी ले सकते हैं या अगर आपके पास कोई और हो तो वो भी ले सकते हैं। बस आपको फ्रेश वाला नहीं लेना है क्योंकि वो फिर क्रीम आपकी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बादाम रोगन यानी कि बादाम का तेल, यहाँ पे मैंने पतंजलि का लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ बादाम का तेल ऐड किया। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्लिसरीन, जो कि बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छी होती है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है। तो जब भी आपकी स्किन ड्राई हो तो ग्लिसरीन का यूज़ बहुत ज़्यादा करें। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब ये ग्लिसरीन ऐड कर दिया है। तो ये जो मिक्सचर है ना वो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 विटामिन ई का कैप्सूल, ये भी आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पर ईजिली मिल जाएगा, और ये 25 रुपये का पूरा पत्ता आता है। तो ये बहुत ही सस्ती क्रीम पड़ती है, और ये सारी चीज़ें मोस्टली हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। आप बाज़ार की क्रीम इतनी महंगी महंगी लगाते हैं जो इसमें कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो हमारी स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो जब हम घर में इतनी अच्छी क्रीम बना सकते हैं तो हम बाज़ार की क्यों लगाएं। तो इस तरह से आप लगाइए इसे, और सोने से पहले आपको लगाना है। जब आप मेकअप उतार लें, फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा रात के टाइम, और उसके बाद इसे लगा लीजिए, और थोड़ा सा मसाज करना है इसको आपको लगा के 2-3 मिनट। फिर क्या होगा, जो ये क्रीम है वो अंदर तक चली जाएगी आपके स्किन के, और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको स्किन आपकी खुद मॉइस्चराइज फील होगी। तो इसे मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, ये देखिए, इसे हम हल्का सा मसाज करेंगे और स्किन में आपकी ये जो क्रीम है बहुत जल्दी चली जाती है, और आपको वहाँ से बिल्कुल अपनी स्किन सॉफ्ट नज़र आएगी। तो अभी मैंने इसे तुरंत लगाया है तो तब भी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और अगर आप इसे रात को लगा के सो जाएंगे और सुबह तक आपकी स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो आप इस क्रीम को ट्राई करिए, मुझे लिख के बताइए कि आपको ये क्रीम कैसी लगी, और आप आगे क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है और लगता है कि और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो इसे कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।